मौसम विभाग ने बताया है कि ये तेज गर्मी एक हफ्ते और रहेगी, जबकि ज्यादातर पेड़ भी अब तक सूख चुके हैं। उनका अंदाजा है कि ये गर्मी अभी और बढ़ेगी। लोगों को ये सलाह दी जाती है कि घर से बाहर ना निकलें। गुमशुदा की तलाश। ये शख्स दो दिनों से गायब है, कोई जानकारी हो तो सूचित करें। ज्यादा ही काम कर रही हो। मम्मी ने कहा था सारा काम खत्म होने के बाद शाम को वो मुझे तोहफा देंगी, इसलिए मैं सुबह से इतनी मेहनत कर रही हूँ। चलो सो गया, मैंने सोचा नहीं था सारा काम खत्म कर लूंगी। बहुत फुर्तीली हो गई हो। अब देखना है शाम को क्या तोहफा मिलता है। शायद मम्मी मुझे कोई मेरा मन पसंद तोहफा दे दे। क्या ऐसी होती है सफाई, जरा देखो तो। पर मैंने इसे अभी अच्छी तरह से साफ किया था मम्मी। तुम कहना क्या चाहती हो, मतलब ये गंदगी मैंने यहाँ बिखेरी है? चलो साफ करो इसे। क्या ओहो, दोबारा करना पड़ रहा है। चिंपुई ध्यान से देखना, कुछ छूट ना जाए। हाँ, मेरी पूरी नजर है। अरे यहाँ तुम आज सफाई कैसे कर रही हो? मैंने सफाई अच्छे से की थी, जैसे रोज करती हूँ मम्मी। अच्छा, ये देखो यहाँ पर ये सब क्या पड़ा है। अब ये कचरा कहाँ से आया? कैसी भोली बन रही हो, फौरन इसे साफ करो। अब तो तुमने झूठ बोलना भी सीख लिया है, बड़ी चालाक हो गई हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है। अब तुम इस तरह से बात करोगी मुझसे? अरे मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये सफाई की थी। सच हो या झूठ, फौरन यहाँ का फर्श चमचमाना चाहिए, समझ गई तुम? मुझे पता लगाना होगा ये गंदगी कौन फैला रहा है। मैं नहीं। अगर तुम नहीं हो तो आखिर ये कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? तुमने मुझ पे शक कैसे किया, जबकि मैं तुम्हारे हर काम में तुम्हारी मदद करता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा, याद रखना तुम, और मुझे बिल्कुल मत बुलाना। शांत हो जाओ, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। अब मैं इसे पहले की तरह फिर से चमका दूंगी। सच कहूँ तो घर के सारे काम करते करते मैं बहुत थक जाती हूँ। हाँ, एरी तुम वाकई थक गई हो। अब तो सफाई ठीक है ना मम्मी, और क्या साफ करूँ? हाँ? मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, आज तो तुम्हें एक तोहफा दूंगी मैं। वाह, मम्मी खुश हो गई, मैंने मम्मी को खुश कर दिया। अरे ये क्या, गंदगी कहाँ से आई? अंतरिक्ष की कसम, इस ग्रह का मौसम भी है कितना गर्म, यहाँ की गर्मियाँ बहुत सहन नहीं होती। काश कोई खाने की चीज मिल गई होती, मगर मेरी खराब किस्मत भला कैसे खुलेगी, खाने की चीज यहाँ कैसे मिलेगी? शायद मेरी भूख किसी ने समझी है, इसीलिए यहाँ मेरे लिए खाने की चीज रखी है, मगर मैं इसे बाद दिखाऊंगा, पहले तो राजकुमारी के पास जाऊंगा। क्या बात हो गई जो राजकुमारी इतनी जल्दी सो गई? आज घर के काम कर करके ये बहुत थक गई है। चिंपुई, तुम्हारे रहते इन्हें काम करने की जरूरत कैसे पड़ गई? मम्मी के बताए काम वो खुद ही करती है। ठीक है, उनका ख्याल रखना, उन्हें कभी दुखी मत होने देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा। फिर से अगर राजकुमारी यूँ उदास हुई तो समझ लेना चिंपुई, अपने ग्रह पर वापस जाओगे, समझ लेना तुम्हारी यहाँ से छुट्टी हुई। अपने ग्रह पर हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, सभी बड़ी उम्मीद से राजकुमारी का इंतजार कर रहे हैं, एक बार वो आ जाएंगी तो ग्रह की हालत संवर जाएगी। ऐसा क्यों? वहाँ भी गर्मी से ही हालात बिगड़ रहे हैं, पेड़ों से पत्ते सूख सूख कर गिर रहे हैं, सबको ये डर है कि अब सारे पेड़ भी गिर जाएंगे, ऑक्सीजन के बिना हम तो जीते जी मर जाएंगे। अब तो बस उनकी राजकुमारी से ही आस है, उनके बिना लोग ही नहीं, अब तो प्रकृति भी उदास है। याद रखो, अब किसी भी कीमत पर राजकुमारी को मनाना है और वहाँ ले जाकर अपने ग्रह को बचाना है। मगर बैंडेलियो, मेरी बात तो सुनिए। बैंडेलियो, आप ही हथेली में सरसों उगाना चाहते हैं? ये काम फौरन नहीं हो सकता है। इस चिंपुई को क्या हो गया, इस तरह उड़कर कहाँ जा रहा है? ला 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 ला। आज काफी लंबी दौड़ पे निकल गए थे क्या? हाँ, आज मैं काफी दौड़ा हूँ। चलिए जाकर अब नहा कर आइए। हाँ, अंदर कोई है क्या? हाँ, ये बाथटब में क्या दिख रहा है?
वहाँ बाथरूम में कोई है। मैं जब अंदर गया तो बाथरूम में कोई था। तुम मेरे साथ आकर देखो जरा। बाथरूम में कौन हो सकता है? मुझे तो डर लग रहा है, जरा संभल कर देखिए कौन है। अरे तुम इस तरह डर कर मुझे मत डराओ, बस चुप रहो, मैं देख लूंगा। अभी मजा चखाता हूँ। कौन है? अंदर तो कोई भी नहीं है। अरे! हाँ, इस पेड़ को मेरे कमरे में किसने रख दिया? ये तो हिल रहा है। कौन हो तुम? मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ गए तुम? मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करने वाली हूँ। चिंपुई, कहाँ हो तुम? ओ, ये तो रोने की आवाज आ रही है। कहाँ से आ रही है? तुम रो रहे हो? क्या तुम मेरी मदद करोगी? तुम मुसीबत में हो, क्या मदद करूँ मैं? बात ये है कि जब भी गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो मैं छाया की तलाश में जंगल से बाहर आ जाता हूँ। क्या तुम मुझे छाया में लगा सकती हो? मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ? रुको! क्या पेड़ खुद चलकर तुम्हारे घर आ गया? हाँ, सच कह रही हूँ। मैंने पहले कभी ऐसा सुना या पढ़ा नहीं है, देखते हैं वो क्या है। जंगल में पेड़ों के कट जाने से वहाँ गर्मी बहुत बढ़ गई थी। मुझे किसी छायादार जगह की तलाश है, वरना मैं मुरझा जाऊंगा। जंगल कटने से जीवन नष्ट होने की बात तो मैंने भी पढ़ी है। इसकी मदद के बारे में सोचो। पर एरी हम इसे लेकर जाएंगे कहाँ? हमें कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली, चलो इस पेड़ को ले जाकर किसी हरी भरी जगह लगाते हैं। हमें हरी भरी जगह मिल तो जाएगी ना? हम हरी भरी जगह पे ही जा रहे हैं, इन पेड़ों की सुरक्षा से ही हम सुरक्षित हैं। हमने बहुत अच्छा काम किया है, आज हमने एक पेड़ को जिंदा रहने का मौका दिया है। ये सब तुम्हारी मदद के बिना बिल्कुल नहीं हो सकता था चिंपुई। खुश होने से पहले हमें एक बार इस पेड़ को पूछ लेना चाहिए कि उसे ये जगह तो पसंद है ना? कितना सुंदर है, इसका फल भी बहुत स्वादिष्ट होगा। कितना प्यारा है। ये तो गाना भी गाता है, खुश होकर गाना गा रहा है। सारे जानवर भी यहाँ आ गए। ये गाना है ही इतना सुरीला। अब हम चलते हैं। बाय बाय। आज हमने कितना अच्छा काम किया है ना? भूख से दम निकला जा रहा है। ये गाना, ये आवाजें कहाँ से आ रही है? कई दिनों का भूखा था, शरीर में जान ही नहीं थी। तभी किसी पेड़ के गाने की आवाज सुनाई दी, उसका एक फल मेरे पास आकर गिरा। उसकी एक फांक खाने से ही मेरे अंदर जान आ गई। उसके बाद मैं खुद चलकर नदी के किनारे आया, पर वहां पर आने के बाद मुझे ताज्जुब हुआ और मैं सोचने लगा कि उस वीरान जगह पर वो पेड़ आया कहां से। वापस लौटकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, जिंदा लौटने की खुशी किसे नहीं होती। क्या आप इस वक्त हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ क्यों नहीं, आपके जरिए मुझे पूरी दुनिया से ये बात कहनी है कि हमें इन पेड़ों का महत्व समझना चाहिए। पेड़ों को काटना बंद करके पेड़ उगाने का काम हमें एक आंदोलन की तरह करना चाहिए, क्योंकि ये है तो हम है,
इन्हीं से हमारा और हर जीव का वजूद है, हमें इनकी कद्र करनी चाहिए। चिंपई सुना तुमने? हाँ हाँ मैंने सुना। हमें बड़ी खुशी है कि आप अपनी बहादुरी से जिंदा वापस लौट आए हैं। आप गलत समझ रहे हैं, मेरी बहादुरी से नहीं। हाँ? ये तो उस पेड़ की ही मेहरबानी है कि मैं आपके सामने जिंदा बैठा हूँ। हम इंसान ही नहीं जानवरों के लिए भी हमारे ये पेड़ जीवन दाता है। ये जंगल ही तो दुनिया है इन जानवरों की। हमारे ग्रह का वायुमंडल भी इन्हीं से तो संतुलित रहता है। ओह, आज हमें इन पेड़ों और जंगलों को बचाने की सख्त जरूरत है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल सच कह रहा है, पेड़ हमारी पहली जरूरत है। अब हम पेड़ पौधों का ख्याल रखेंगे, जगह जगह पेड़ लगाएंगे और उनकी हिफाजत भी करेंगे। वाह, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी।